हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और होप्स और सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, मेरे हाथ में एक बड़ा सा पार्सल है और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, और थंबनेल में देख के और टाइटल में देख के समझ ही गए होंगे क्या है। लेकिन भी चलिए इसकी आज अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं पूरा मोराबादी में रिएक्शन वीडियो डाला था, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि मैं अपना स्केटिंग शूज़ दूंगा, तो गाइस ये स्केटिंग शूज़ है, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा स्केटिंग शूज़ आ गया है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। गाइस अपने स्केटिंग शूज़ का अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस इतना बड़ा डब्बा दे दिया है, पता नहीं अंदर में क्या है, चेकआउट करते हैं और कितना अच्छा क्वालिटी का है वो भी आपको देख के बताते हैं। तो गाइस ये है फ्लिपकार्ट का डब्बा, ये कोई कम का नहीं, इसको ऐसे फेंक देते हैं। तो गाइस मजाक नहीं करना है, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये देखिए गाइस कितना अच्छा इसका पैकेजिंग है, पैकेजिंग चेकआउट कीजिए गाइस। एरो स्केट्स, इनलाइन स्केट्स यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डिटेल दे दूंगा, आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस धीरे धीरे ये संदूक खुलने वाला है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, ये देखिए गाइस क्या अच्छा लग रहा है, क्या मस्त स्केटिंग शूज है गाइस, चेकआउट कीजिए गाइस। यही है एरो का एग्जॉस्ट, सुने थे आप लोग, जैसे मैं राइडर हूँ गाइस तो एरो का एग्जॉस्ट होता है, ये एरो का स्केटिंग शूज है, चेकआउट कीजिए गाइस क्या मस्त लग रहा है। और अभी इसके फीचर्स के बारे में भी बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिया है। तो गाइस सबसे पहले एक स्केटिंग शूज निकालते हैं, उसके बाद आपको बाकी दिखाएंगे दूसरा। तो गाइस सबसे पहले ये जो शूज देख रहे हैं आप, ये इनलाइन थ्री है, तीन व्हील का है, यहाँ पे 110 mm का ये शूज़ होता है जो रोड पे चलता है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ चेकआउट कर सकते हैं गाइज, कि यहाँ पे जो बटन देख रही है पुश लिखा हुआ है, इससे एडजस्ट होता है साइज, इस बटन को दबाएंगे तो देखिए गाइज ये शूज़ आगे पीछे हो रहा है, ये साइज़ एडजस्ट होता है। देखिए गाइज ये 6 से लेकर 9 नंबर तक का शूज़ है, जिसको 6 से लेकर 9 नंबर तक आता है वो लोग के लिए कम्फर्टेबल है। तो गाइज मेरा 9 नंबर का जूता आता है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। अब कलर देख के बताइए गाइज क्या अच्छा लग रहा है, कलर चेकआउट कीजिए भाई। ये देखिए गाइस एरो का स्केट्स लिखा हुआ है। और जल्दी मैं अपने गाड़ी पे भी एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताइए। और दूसरा स्केटिंग शूज़ भी आपको दिखाते हैं अपने हाथ पकड़ के। ये चेकआउट कीजिए गाइस, दोनों स्केटिंग शूज़ मेरे हाथों में है, चेकआउट कीजिए गाइस क्या मस्त लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा इसकी कैसा लगा आपको ये स्केटिंग शूज़, और बताइएगा कि आप लोग को भी स्केटिंग सीखना हो तो मेरे से कांटेक्ट जो कीजिएगा, तो इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कैफ अहमद खान 1.0 के नाम से है। तो चलिए गाइस और भी क्या क्या चीज़ दिया है वो भी दिखाते हैं। और साथ में ये दो एलन की दिया हुआ है, देख सकते हैं गाइस ये दो एलन की है, ये क्या काम आता है ये भी बता दे रहे हैं। जैसे कि गाइस अगर आप लोग इसको रोड में चलाइएगा तो जैसे अगर ये चक्का लूज़ हो जाता है तो इसको ऐसे करके टाइट करने में काम आता है, देख सकते हैं गाइस यहाँ से। अभी ये टाइट है तो ये टाइट नहीं होगा, इसलिए दिया गया है। तो बस ये तीन चार चीज़ दिया हुआ है गाइस, ये दो शूज़ है, कितना अच्छा लग रहा है ये चेकआउट कीजिए। और साथ में दो एलन की दिया हुआ है। तो गाइस फाइनली अब मैं बता दूँ आपको कि मेरा स्केटिंग शूज़ आ गया है, और अब हम लोग मतलब मैं और मेरे जो दोस्त है, जो भाई है मेरा लकी, उसका भी चैनल का लिंक आपको दे देंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे 26 जनवरी के लिए। और 26 जनवरी को जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अपने नेशनल फ्लैग, इंडिया के फ्लैग को लेके हम लोग पूरे मोराबादी में रिएक्शन लेंगे। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो गाइस तो इस वीडियो को सभी में शेयर करें। और गाइस जिसको भी ये शूज़ परचेज करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके परचेज कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो गाइस तो सभी में शेयर करें। और गाइस जिसको भी सीखना है स्केटिंग तो मेरे से कांटेक्ट करें। अगर आप लोग रांची झारखंड से है गाइस तो इंस्टाग्राम में फॉलो करें, आप बाहर से भी है तो फॉलो करिए गाइस। और भाई को सपोर्ट कीजिए, मेरे जो भाई है लकी, अभी मैं उनको अपने फ्रेम में लूँगा तो उससे भी कुछ कुछ बात कर लीजिएगा गाइस। तो गाइस मैं अभी अपने भाई लकी जो मेरे को स्केटिंग सिखाया था उसको मैं अपने फ्रेम में बुलाना चाहता हूँ, तो बुला रहे लकी आ जा भाई। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू भाई। तो गाइस लकी यही है हमारे साथ, इसी का चैनल के बारे में बता रहा था, और ये मेरे को बधाई दे रहा है न्यू शूज के लिए। भाई कैसा लग रहा है ये शूज, बहुत अच्छा शूज है, इसमें काफी ग्रिपिंग भी दिया हुआ है, इसका व्हील भी थोड़ा सा लबर का है ताकि स्केट थोड़ा कम करेगा ये,
और इसका व्हील साइज भी 100 mm का है। इसके बाद इसमें एडजस्टेबल साइज भी दिया हुआ है, इसमें बेल्ट दिया हुआ है आपको टाइट करने के लिए। इसमें टाइट वगैरह होता है अच्छा शूज़, और ये दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा शूज़ है और कैप तो सीख ही गया है लगभग। तो गाइज मेरे को सिखाने वाला मैं खुद नहीं था, मेरे को सिखाने वाला मेरा भाई लकी। मेरे को स्केटिंग का एस भी नहीं आता था, लेकिन अब मैं रोड में अच्छे से स्केटिंग कर ले रहा हूँ और स्केट कर रहा हूँ सिर्फ अपने लकी भाई की तरफ से और लकी की वजह से। थैंक यू भाई बहुत बहुत तुम्हारा सिखाने के लिए। और अब हम लोग को पूरा 26 जनवरी का, तो 26 जनवरी का पूरा हम लोग को रोला जमा देना है अपने रांची झारखंड में। और रांची का रिएक्शन आपको दिखा चुके हैं गाइज मोराबादी का, वो तो नॉर्मल प्रैक्टिस का था, लेकिन जब हम लोग नेशनल फ्लैग लेके निकलेंगे तब लकी रिएक्शन कैसा रहेगा। पूरा आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस 26 जनवरी को, तो पूरा मौज कर देना साथ में। सिस्टम हैंग कर देंगे भाई, सिस्टम हैंग करना है भाई। तो गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा? थैंक यू भाई। तो गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी में शेयर करें। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस। दिस इज कैफ साइनिंग ऑफ। Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired.